हेलो गाइस, दिस इज आदित्य शर्मा एंड यू आर वाचिंग न्यू एरा। दोस्तों, जैसा कि लास्ट टर्न तक हम पॉजिटिव इंटरेक्शन तक देख चुके थे, आज हम देखेंगे कि नेगेटिव इंटरेक्शन के बारे में हम देखेंगे। बेसिकली उनके एग्जांपल समझेंगे, उनके बीच में थ्योरीज समझेंगे, किस तरह से नेगेटिव इंटरेक्शन होता है, क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए गए, क्या क्या हाइपोथेसिस दी गई बेसिकली। तो ये सब आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे, सिर्फ नेगेटिव इंटरेक्शन। और यहाँ पर आपका आज पॉपुलेशन इंटरेक्शन होपफुली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले जो नेगेटिव इंटरेक्शन में हम बात करेंगे, लास्ट तक हम थोड़ा सा देख चुके थे एक्सप्लॉयटेशन, और इसी से हम स्टार्ट करेंगे। हम दोबारा वो पूरा चार्ट नहीं बनाएंगे, एक्सप्लॉयटेशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक्सप्लॉयटेशन में भी क्या क्या होता है, बेसिकली दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका प्रेडेशन, दूसरा होता है पैरासाइटिज्म। इन दोनों के बीच का मैं डिफरेंस पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ बेसिकली कि प्रेडेशन में जो आपका प्रेडेटर होता है वो बड़ा होता है और उसका जो प्रे होता है वो छोटा होता है। यहाँ पर बात किसकी आती है, पैरासाइट की और होस्ट की। तो होस्ट जो होता है ये बड़ा होता है और पैरासाइट छोटा होता है। मैं इसको थोड़ा बड़ा शो कर देता हूँ, होस्ट बड़ा होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये कंडीशन है, इससे तो आप समझ सकते हैं कि डिफरेंस क्या है। बाकी और भी कई सारी चीजें वो हम देखते हैं क्या क्या है। तो हम बेसिकली जो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं वो है पैरासाइटिज्म, ठीक है। चलिए पैरासाइटिज्म की बात करते हैं। पैरासाइटिज्म सबसे पहले, ये पैरासाइटिज्म की खास बात ये कि कभी भी अपने होस्ट को डायरेक्टली किल नहीं करता। डू नॉट डायरेक्टली किल देयर होस्ट। ये एक अच्छी चीज है। और ये करता क्या है बेसिकली, ये होस्ट के साथ क्या करता है, ये उसका सर्वाइवल, ये उसकी ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, पॉपुलेशन डेंसिटी ये सब कुछ क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। बात को समझिएगा, कभी भी पैरासाइट जो होता है वो अपने होस्ट को डायरेक्टली किल नहीं करता है। अच्छा, अब दो टर्म में बताऊंगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, बहुत याद रखिएगा अच्छे से। सर्वाइवल, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, पॉपुलेशन डेंसिटी बोला है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, वो पॉइंट सुनिएगा जो मैं बताने वाला हूँ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो एक टर्म आता है टोटल पैरासाइट, एक टर्म आता है सक्सेसफुल पैरासाइट। अब ये क्या होता है सर, सक्सेसफुल पैरासाइट और टोटल पैरासाइट, ये दोनों के दोनों कंप्लीट यूज करते हैं अपने होस्ट का, कंप्लीट यूज ऑफ होस्ट। ये क्या करते हैं, कंप्लीट यूज करते हैं अपने होस्ट का। और आप दोनों में कुछ डिफरेंस भी आएगा, पहली चीज तो ये हो गई कंप्लीट यूज कर रहे हैं होस्ट का। और किस किस चीज के लिए करते हैं, बेसिकली फूड के लिए, शेल्टर के लिए एंड प्रोटेक्शन के लिए, तीनों चीजों के लिए अपने होस्ट का यूज कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। पर मतलब जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, ऐसा क्या डिफरेंस है इनको हम डिफरेंशिएट कर पाए। जो सक्सेसफुल पैरासाइट होते हैं बेसिकली, इनमें ये खास बात होती है मिनिमल लॉस प्रोवाइड करते हैं, मिनिमल लॉस देते हैं अपने होस्ट को, ये इम्पॉर्टेंट बात है। तो हम इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं या डायरेक्टली हम कह सकते हैं, जो भी अच्छा पैरासाइट होता है वो अपने होस्ट को कभी भी मतलब डायरेक्टली किल नहीं करता है, और मतलब जो लॉस प्रोवाइड करता है वो कम से कम लॉस प्रोवाइड करता है जिससे कि वो जिंदा रहे, ठीक है। वो उसको भी तो खाना चाहिए ना, क्योंकि अगर वहां पर उसका होस्ट मर गया तो जो पैरासाइट रह रहा है वो भी तो मर जाएगा ना, तो वो वहां पर उसको मिनिमल लॉस प्रोवाइड करता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक दो चीजें मैं और बताना चाहूंगा, इसमें ध्यान से देखिएगा। हालांकि जो पैरासाइट होता है, पैरासाइट मेक
their host weak for predation indirectly. या फिर आप वीक लिख लीजिए या वल्नरेबल लिख लीजिए, एक ही बात है. वल्नरेबल का मतलब भी यही है कि मतलब एक तरह से उसको कमजोर कर देता है. करता क्या है, जैसे कि मेरे अंदर मान लीजिए बहुत सारे पैरासाइट है, तो मेरी तबीयत हमेशा खराब रहेगी. अगर तबीयत खराब रहेगी तो मुझे बहुत सारी बीमारियां पकड़ेंगी. फॉर एग्जाम्पल, कल को मेरे पीछे शेर भागा, ठीक है, हालांकि शेर मुझे वैसे भी पकड़ ही लेगा, मैं भागूंगा शेर पकड़ ही लेगा, ऑब्वियस सी बात है. पर अगर मेरी तबीयत खराब नहीं होगी, मैं भाग सकता हूँ, तो हो सकता है मैं ऐसी किसी जगह चला जाऊं, जल्दी से गेट बंद कर लूं कोई. पर अगर मेरी तबीयत खराब है, मेरे से भागा भी नहीं जा रहा है, 10 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, इतना भी नहीं भागा जा रहा है, तो आप और ज्यादा वल्नरेबल हो गए ना पकड़े जाने के लिए. बात समझ पा रहे हैं, मतलब पकड़े आप दोनों कंडीशन में जा सकते हो, नो डाउट, पर एक में बहुत जल्दी पकड़े जा सकते हो, एक में हो सकता है बच भी जाओ. बात समझ पा रहे हैं, तो ये डिफरेंस है. और ये होस्ट, ये जो पैरासाइट है, ये यही काम करता है, ठीक है. मैं आप में से किसी को ऐसी टास्क नहीं देता, मैं खुद पे ले लेता हूँ, ठीक है. तो बचा के रखना चाहता हूँ आपको, जिससे पढ़ते रहें, नीट में सिलेक्शन करवाना ना सबको. तो पैरासाइट जो है वो क्या करता है, वल्नरेबल कर देता है या फिर वीक कर देता है अपने होस्ट को, जिससे कि प्रेडेशन हो सके उसका. ये पॉइंट याद रखिएगा. अच्छा, इसके अलावा दो टाइप के पैरासाइट अपन को पढ़नी है. कौन कौन सी? एक होते हैं एक्टोपैरासाइट, एक होते हैं एंडोपैरासाइट. एक्टोपैरासाइट का क्या मतलब है? जो बॉडी के ऊपर रहे. एंडो का क्या मतलब है? जो बॉडी के अंदर रहे. हैं दोनों ही पैरासाइट, ठीक है. अच्छा, पैरासाइट का मतलब क्या था? यही है कि एक को फायदा होगा, होस्ट को नुकसान होगा, ये पैरासाइटिज्म होती है. ये तो हम नहीं भूल जाना है ना, ये सबसे पहले इसीलिए क्लियर कर दिया था, अब मैं बार बार ये वाली चीज नहीं बताऊंगा, ठीक है. चलिए, तो एक्टोपैरासाइट एंडोपैरासाइट. एक्टोपैरासाइट में थोड़ा सा ज्यादा यहाँ नहीं बनेगा, तो पहले मैं एंडोपैरासाइट बता देता हूँ. एंडोपैरासाइट हालांकि सब जानते हैं, लाइक एस्केरिस, टीनिया, जो भी पैरासाइटिक इन्फेक्शन आपको होते हैं, ठीक है, फिलारियासिस, ठीक है, तो एक्सेट्रा लगा दीजिए, बहुत सारे होते हैं. जितने भी आपको पैरासाइटिक इन्फेक्शन आपने सुने हैं, बेसिकली वो सारे के सारे इन्फेक्शन आपके एंडोपैरासाइटिज्म में आ जाएंगे. इसके बाद हम बात करते हैं एक्टोपैरासाइट की. तो एक्टोपैरासाइट में, एक सेकेंड, ये मिटाने के बाद एक्टोपैरासाइट देखते हैं. एक्टोपैरासाइट बेसिकली दो टाइप का होता है, एक्टोजू और एक्टोफाइटोपैरासाइट, ठीक है. पूरा नहीं लिख रहा, एक्टोजू एक्टोफाइटो समझ में आ जाएगा. एक्टोजू मतलब एनिमल की बात चल रही है, एक्टोफाइटो मतलब प्लांट की बात चल रही है. मतलब ये वाला जो है, ये एनिमल के ऊपर पैरासाइट की तरह रहेगा और ये प्लांट के ऊपर रहेगा. तो इसमें आपने सुने होंगे, लाइक लाइस सुनी होगी, या फिर लाइस ऑन एनिमल्स, ठीक है, एनिमल लाइस सबने सुनी होगी, लीच सुनी होगी, है ना. इसके अलावा आपने टिक्स, डॉग्स वगैरह पे देखा होगा, कीड़े लगे रहते हैं, टिक्स ऑन डॉग्स या कैटल्स लिख लीजिए, ठीक है. ऐसे ही कॉमन एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं ना. यहाँ पर एक एग्जांपल याद अच्छे से रखना है प्लांट लाइस का. प्लांट लाइस को हम क्या बोलते हैं? एफिड्स. ये बेसिकली जब हम एक चैप्टर आएंगे ना हमारे माइक्रोब्स और स्ट्रेटजीज इन फ्रूट प्रोडक्शन, उसमें ही आएगा एफिड्स वगैरह, है ना. या तो इनमें आपको ये याद रखना है, जो प्लांट लाइस या एफिड्स होती है, ये कहाँ कर रहती है? स्टेम पे, ठीक है. ये इंपॉर्टेंट है, ये एम्स में एक बार पूछा जा चुका है, एम्स में पूछा जा चुका है एग्जाम्पल. इसके अलावा रेड कॉटन बग, इसके अलावा और क्या बता सकते, लैक इंसेक्ट बोल सकते हो, ठीक है दोस्तों. तो ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, और ये बेसिकली आपका जो बेसिक है वो यही है. इसके अलावा हम कुछ और एग्जाम्पल भी देखेंगे इसमें, और एग्जाम्पल क्या है वो भी देखते हैं. और एग्जाम्पल में जो सबसे पहले हमको देखने हैं, लाइक अदर टाइप ऑफ पैरासाइटिज्म, अदर टाइप्स. तो जो सबसे पहला हम देखेंगे वो है हाइपर पैरासाइटिज्म. इनको हम बहुत ज्यादा डीप में जाके नहीं पढ़ने वाले हैं,
ठीक है, लेकिन हाँ हम सबको इतना समझ लेंगे कि कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आया तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए, है ना। हाइपर पैरासाइटिज्म, हाइपर का नाम मतलब क्या है, हाइपर का मतलब हमेशा क्या होता है, ज्यादा। हाइपर का मतलब क्या होता है, ज्यादा। अब हाइपर पैरासाइटिज्म में क्या होता है बेसिकली, कि एक पैरासाइट दूसरे पैरासाइट के ऊपर रहे, एक पैरासाइट दूसरे पैरासाइट के ऊपर सर्वाइव कर रहा है, उसको हम बोलते हैं हाइपर पैरासाइटिज्म। फॉर एग्जाम्पल कोई बैक्टीरिया है किसी ऑर्गेनिज्म पे पैरासाइट की तरह रह रहा है, बात समझिए, एक बैक्टीरिया है किसी ऑर्गेनिज्म पे रह रहा है। अब ये इस बैक्टीरिया पे आके कौन सर्वाइव करने लग जाए, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज एक्चुअल में क्या है, वायरस। बैक्टीरियोफेज एक्चुअल में क्या है, वायरस है। फेज मतलब वायरस, बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया पर रहने वाला वायरस। तो जो ये बैक्टीरियोफेज है ये इस पर रहने लग गया, तो ये बैक्टीरियोफेज एक्चुअल में क्या हुआ, हाइपर पैरासाइटिज्म। पैरासाइट का भी पैरासाइट, बात समझ में आ रही है, पैरासाइट का भी पैरासाइट, उसको हम बोल रहे हैं हाइपर पैरासाइट। तो ये पहला क्लियर हुआ, अब हम देखते हैं दूसरा वाला। चलिए दूसरा क्या है, उसको हम बोलते हैं होलो पैरासाइट। क्या बोलते हैं, होलो पैरासाइट। होलो पैरासाइट का, होलो का मतलब होता है टोटल। क्या मतलब होता है, टोटल। पहले सुन लीजिए फिर मैं लिखवा दूंगा। टोटल पैरासाइट, बेसिकली टोटल पैरासाइट का क्या मतलब है, कि ये कंप्लीटली डिपेंडेंट है, कंप्लीटली डिपेंडेंट है किसी और पे। बात समझ में आ रही है। अब देखिए कंप्लीट का मतलब हम समझते हैं, एक सेकेंड। टोटल होलो पैरासाइट, तो यहां पर हम दो तरह से इसको देखेंगे, एक देखेंगे टोटल रूट पैरासाइट या फिर टोटल स्टेम पैरासाइट एंड टोटल रूट पैरासाइट। टोटल रूट पैरासाइट, ये पॉइंट समझिएगा थोड़ा ध्यान से। टोटल स्टेम पैरासाइट मतलब बेसिकली पूरा का पूरा डिपेंडेंट हो गया, मतलब पूरा का पूरा मतलब फूड के लिए, वाटर के लिए, मिनरल के लिए, सब चीज के लिए किस पर डिपेंडेंट हो गया, अपने होस्ट पर डिपेंडेंट हो गया। तो यहां जो एग्जांपल आपको याद रखना है वो याद रखना है कस्क्यूटा। कस्क्यूटा ये बेसिकली बेल होती है, बेल आप समझते हैं, मतलब ऐसा समझ लीजिए एक पतली सी मतलब स्टेम होती है, लाइक आपने देखा होगा गाजर बोल रहा हूँ सॉरी, कुकरबिटेसी फैमिली के मेंबर देखे हैं, कद्दू वगैरह या लौकी वगैरह की जो बेल जाती है, इस तरह का मेंबर होता है ये। लेकिन ऐसा होता है कि इसकी बेल अगर किसी जगह पे आपने डाल दी, किसी भी पेड़ पे, तो ये वहीं पे सर्वाइव कर जाएगा। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, थोड़ा समझिएगा। ये एक पेड़ है और ये क्या है, ऐसे तो इस तरह से आपने डाल दिया इस पे, ठीक है, तो ये क्या करेगा बेसिकली, या फिर यहाँ डाल दिया या यहाँ डाल दिया, कहीं भी इसकी बेल को तोड़ के इस पर डाल दिया, तो ये क्या करता है, कंप्लीटली इस पर डिपेंडेंट हो जाता है। इसके अंदर क्या रहती है, हॉस्टोरियल रूट रहती है, हॉस्टोरियल रूट, हॉस्टोरियल रूट्स, आई एम सॉरी। तो ये क्या करवाती है, फूड, वाटर, मिनरल, सब, क्योंकि ये क्या करता है, अपनी लीव्स तक को लॉस कर देता है, इसके पास लीव्स भी नहीं बचती है, लीव्स जो होती भी है ना पहले वो खत्म कर देता है बिल्कुल। और ये क्या करता है, सारे काम किससे ले रहा है, अपने जो भी होस्ट है उससे ले रहा है, तीनों काम ऑस्टेरियल रूट मिलती हैं, ठीक है। तो ये कस्क्यूटा आपको याद रखना है। इसके अलावा टोटल रूट पैरासाइट की बात करें तो यहाँ एग्जाम्पल जो आपको याद रखना है वो है रेफ्लेशिया। रेफ्लेशिया ये लार्जेस्ट फ्लावर भी होता है, ठीक है, कैरियन फ्लाई जो होती है इसके पॉलिनेशन में हेल्प करती है, मैं लिख देता हूँ, ये एक बार आपको अभी आगे आएगा जब पढ़ने में, तो याद रखिएगा कौन सी फ्लाई, कैरियन फ्लाई, क्या करती है इसको पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं, पॉलिनेशन, ठीक है। ये अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है पर ये आगे आएगा, काम आएगा उसमें। तो रेफ्लेशिया में भी क्या होता है, जैसे ये पेड़ है तो यहाँ पर इसमें ये टोटल रूट पैरासाइट है, ये याद रखिएगा ना, ये टोटल स्टेम पैरासाइट था, तो यहाँ पर ये रूट में क्या होता है, यहाँ पर इस तरह से ये आ जाता है और यहीं पे इसकी हॉस्टेरियल रूट्स होती हैं, उसके थ्रू ये भी क्या करता है, फूड, वाटर, मिनरल, तीनों चीजें लेता है। और रूट कैसी है, इसके अंदर भी यही हॉस्टेरियल रूट है। कौन सी, हॉस्टेरियल रूट है, याद रखिएगा। ये दो एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है क्या, होलो पैरासाइट। होलो का मतलब टोटल, ठीक है। तो ये एक तो टोटल स्टेम पैरासाइट था, एक टोटल रूट पैरासाइट था। अच्छा, इसके अलावा हमको और एग्जाम्पल थोड़े से देखने हैं। चलिए वो हम देखेंगे हेमी पैरासाइट। क्या देखेंगे, हेमी पैरासाइट, तीसरा नंबर।
हेमी पैरासाइट। हेमी पैरासाइट का मतलब, हेमी का मतलब हमेशा क्या होता है, पार्शियल। हेमी का मतलब क्या होता है, पार्शियल। तो यहां पर हम बात करेंगे पार्शियल की, तो पार्शियल में भी फिर वही दो चीजें, पार्शियल स्टेम पैरासाइट और पार्शियल रूट पैरासाइट। पार्शियल रूट पैरासाइट, ठीक है दोस्तों, ये दोनों याद रखने हैं। यहां पर क्या होता है, अच्छा मैंने एक चीज अभी जब वो कस्क्यूटा बताया था तो आपको कुछ सिमिलैरिटी समझ में आई थी क्या किसी से? हमने लियानास पढ़ा था, बाहुनिया पढ़ा था, वहां भी सिमिलर था, लेकिन वहां क्या था कि वहां पे जो रूट सिस्टम था उनका, जो बेल बनाई थी हमने, ये जो बनाया था बेसिकली, तो यहाँ पर जब हमने इस तरह से एक चीज बनाई थी तो इसके यहाँ रूट्स बनाए थे और ये बोला था कि रूट्स वेल डेवलप्ड हैं। तो इसमें याद रखिएगा कस्क्यूटा में रूट्स लेस डेवलप्ड होते हैं, ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, या तो एब्सेंटी होते हैं या लेस डेवलप्ड होते हैं, ये कहानी है इनकी, ठीक। चलिए तो पार्शियल स्टेम पैरासाइट में आते हैं, तो पार्शियल स्टेम पैरासाइट में भी वही कहानी है। एग्जाम्पल अगर देखना चाहे तो पहले एग्जाम्पल देख लीजिए, लॉरेंथस, ये मैंगो पे रहता है बेसिकली, ये स्पेसिफिक है इसलिए मैंने बता रहा हूं। विस्कम, ये आपका ओक पे रहता है, ठीक है, ये स्पेसिफिक एग्जाम्पल है इसलिए याद रखिएगा, ठीक। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, आपका जो भी मतलब जो आपके ये लॉरेंथस विस्कम रहते हैं, ये भी, इनकी भी रूट्स कैसी रहती हैं, लेस डेवलप्ड। बस एक डिफरेंस आ जाता है, ये जो इनकी जो बेल है इन पे क्या प्रेजेंट रहती है, लीव्स प्रेजेंट रहती हैं। क्या प्रेजेंट रहती हैं, लीव्स प्रेजेंट रहती हैं। तो ये क्या करते हैं, लाइट से फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, सॉरी फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस कर लेंगे तो फिर ये क्या करेंगे, रहती इनके पास भी क्या, हॉस्टोरियल रूट ही रहती हैं, उससे ये क्या लेते हैं, वाटर और मिनरल, सिर्फ दो चीज़ें, वाटर और मिनरल, ये दो चीज़ें ये लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये याद रखना है आपको, ये लॉरेंथस विस्कम। इसके अलावा पार्शियल रूट पैरासाइट की बात करें तो यहाँ एग्जाम्पल आता है सेंटेलम, शायद सब ने सुना होगा सेंटेलम के बारे में, नहीं सुना होगा तो घर में यूज़ ज़रूर किया होगा, चंदन बोलते हैं इसको, है ना, पूजा पाठ के टाइम यूज किया जाता है चंदन, ठीक। तो आपने सुना होगा चंदन के पेड़ के पास सांप बहुत रहते हैं, किसी ने सुना, जस्ट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा था, ठीक। तो बेसिकली यहाँ भी क्या रहती है, हॉस्टेरियल रूट रहती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये दूसरे पेड़ के साथ मिलके, ये दूसरे पेड़ के साथ मिलके यहाँ पर रूट से रूट इनका कनेक्शन बना के, और ये क्या करता है, इससे क्या लेता है, वाटर और मिनरल, वाटर एंड मिनरल, ये याद रखिएगा ये दो चीज़ें, ठीक है दोस्तों। तो ये एग्जाम्पल और ये पॉइंट्स आपको एज इट इज याद रखने हैं। इसके बाद हम एक और अच्छा एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा इस पोर्शन पे थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्पल को समझाना भी है और एग्जाम्पल याद भी रखना है आपको, तो बहुत, लेकिन ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा, जहाँ स्ट्रेस होगा पॉइंट में वहाँ तीन बार भी बोलूँगा, ठीक है। चलिए चौथा पॉइंट क्या है, ब्रूड पैरासाइटिज्म। अब ये क्या होती है भाई, ब्रूड पैरासाइटिज्म। ब्रूड पैरासाइटिज्म में क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, दो स्पीशीज हैं, अलग अलग हैं, एक का नाम है क्रो, एक कोकू, और एक का मतलब क्रो, एक का कोकू। कोकू को हम क्या बोलते हैं, कोयल बोलते हैं, क्रो को कौवा वगैरह बोलते हैं, आप समझ लीजिए ये चीज। अब यहाँ पर आप समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्रो एंड कोकू की बात चल रही है, ठीक है, क्रो एंड कोकू। होता क्या है, ये ना बहुत चालाक होती है, क्या होती है, चालाक होती है। करती क्या है, ये जो कोयल होती है, ये स्प्रिंग से समर के टाइम पे इन लोगों में देखने को आपको ये चीज़ मिल जाएगी, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, एनसीईआरटी ने भी ये चीज़ लिखी है कि आप ऑब्जर्व करेंगे दिख जाएगा, हालांकि देखे ना देखे बात की बात है। तो ये क्या करती है, जो अपने एग ले करती है, ये क्या करती है, जो क्रो होता है ना उसके नेस्ट में जाके ले करके आ जाती है, और जहाँ क्रो के वो पड़े होते हैं ऑलरेडी एग, उनको सबको गिरा देती है। और इनका जो अडेप्टेशन होता है वो इस तरह से होता है कि वो सिमिलर होते गए, जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया है सिमिलैरिटी बढ़ती गई है कुकू और क्रो के जो ऑफस्प्रिंग है उनके एग में, बात समझ पा रहे हैं। कुकू और क्रो के एग दिखने में सिमिलर होते हैं, क्रो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि ये उसके एग हैं या फिर कुकू के एग हैं, बात समझ पा रहे हैं। तो ये होता क्या है, जैसे ही जो आपकी कुकू होती है बेसिकली वो आके उसके क्रो के नेस्ट में एग को लेकर के चली गई, अब वो चली गई लेकिन उसकी केयर कौन कर रहा है, क्रो कर रहा है, और वो क्रो के एग को तो गिरा के फोड़ के पहले ही चली गई थी, बात समझ पा रहे हैं। तो ये चीज़ उसके बाद जैसे ही वो बच्चे बड़े होंगे तो बच्चा कैसा होगा, ऑब्वियसली वो
कुकू ही होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली सोशल पैरासाइटिज्म का भी एग्जांपल बोला जाता है। किसका? सोशल पैरासाइटिज्म। तो ये याद रखिएगा कुकू एंड क्रो वाली कहानी। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि इसका कोई बहुत मतलब है, एनसीईआरटी में सब दिया हुआ है, पर आपको अगर समझ आ जाए तो फिर इसमें और ज्यादा समझने की जरूरत है नहीं, ठीक है दोस्तों। चलिए इसके अलावा हम एक दो चीजें और देखेंगे, इसमें एक दो पैरासाइट और देखेंगे जो एनसीईआरटी ने बता रखे हैं, लेकिन वो ट्रू पैरासाइट नहीं है। पहले बता दे रहा हूं वो ट्रू पैरासाइट नहीं है, ठीक है। पहला एग्जांपल देखेंगे मॉस्क्यूटो, मैं साथ में लिख देता हूं मॉस्क्यूटो। एक हम देखेंगे प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम। एक हम देखेंगे ह्यूमन फीटस। एक हम देखेंगे ह्यूमन लीवर फ्लूक। ठीक है दोस्तों, ये चार एग्जांपल हम देखने वाले हैं। मॉस्किटो, मॉस्किटो की अगर हम बात करें ऑब्वियसली फीमेल मॉस्किटो है, नहीं अगर किसी को डाउट हो रहा तो मैं फीमेल लिख देता हूँ, ठीक है ना। फीमेल मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो की हम बात करें तो करती क्या है? खून चूसती है ना, सारी फीमेल खून ही चूसती है, ये ऑफेंड मत हो जाना कोई, है ना। तो फीमेल मॉस्किटो की बात कर रहे हैं हम। चलो तो फीमेल मॉस्किटो की जब हम बात कर रहे हैं तो फीमेल मॉस्किटो कर क्या रही है बेसिकली? ये पैरासाइट कैसे, ये ह्यूमन पे पैरासाइट होती है क्या? ये पहली चीज मैंने इसीलिए बोल दी कि ये ट्रू पैरासाइट नहीं है। ये सिर्फ आती है, कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए भी नहीं रहती है, किसी एक पर्टिकुलर कुछ सेकेंड्स के लिए आएगी और ब्लड लेके चली जाएगी। कोई फूड नहीं ले रही है, बात समझिएगा, फूड नहीं ले रही है। जो ब्लड है वो इसके फूड के काम नहीं आता है, ये ब्लड जो ले मॉस्किटो भी होस्ट है। अब प्राइमरी होस्ट कौन है? तो ऑब्वियसली प्राइमरी होस्ट इसका क्या होता है? मॉस्क्यूटो प्राइमरी। एक चीज याद रखिएगा, ये सेकेंडरी है, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, प्राइमरी होस्ट हमेशा वो होता है किसी भी पैरासाइट का जहां उसकी रिप्रोडक्टिव साइकिल, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव साइकिल, याद रखिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव साइकिल जहां पर चलती है वही उसका प्राइमरी होस्ट होता है, और जहां पर उसकी और एसेक्सुअल साइकिल चलती है वो बेसिकली उसका सेकेंडरी होस्ट होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, है ना। ह्यूमन फीटस की बात करते हैं इसके बाद। ह्यूमन फीटस, सबसे पहले तो एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ह्यूमन फीटस जो है वो आपका अगर बोलना चाहे तो कमेंसलिज्म का एग्जांपल भी बोल सकते हैं। क्यों? फीटस का फायदा है मदर का, लेकिन कोई नुकसान नहीं है, बात समझ रहे हैं। लेकिन हम पढ़ रहे हैं इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन। क्या पढ़ रहे हैं? इंटर स्पेसिफिक, दो अलग अलग स्पीशीज बीच में। क्या यहां पर दो अलग अलग स्पीशीज होती हैं? नहीं होती हैं। तो ये पहली तो इंट्रा स्पेसिफिक है, कमेंसलिज्म का एग्जांपल समझ सकते हैं, है ना। और ये कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए भी पैरासाइट नहीं है, ये किसी पर्टिकुलर 9 महीने के लिए तो पैरासाइट है, बात समझ रहे हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में इसको लिखवा नहीं रहा हूं, पर मैंने समझा दिया है, आप अपनी लैंग्वेज में नोट कर सकते हैं जैसे भी आपको नोट करना है। नेक्स्ट आता है ह्यूमन लीवर फ्लूक। ये आपकी एनसीईआरटी ने भी दे रखा है कि बोला है कि भाई एक जो पैरासाइट है उसके दो दो होस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। दो दो भी है, तीन तीन भी है, बेसिकली यहाँ तो तीन तीन होस्ट भी हो जाते हैं। आपका स्नेल हो जाता है, फिश हो जाती है ना, और आपका ह्यूमन है। तो बेसिकली एक से ज्यादा होस्ट भी हो सकते हैं, वो ये बताना चाह रहे थे, यहाँ भी वही बताना चाह रहे थे, ठीक। चलिए, और यहाँ होता कैसे, स्नेल में कैसे जाता है? ह्यूमन एक्सक्रीटा के थ्रू, ठीक। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, एनसीईआरटी में भी एक दो दे रखे हैं, ठीक। इतना हो गया। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे प्रेडेशन के बारे में। किसके बारे में? प्रेडेशन के बारे में। चलिए, एक दो पॉइंट में और समझाना चाहूंगा, डिफरेंस समझ लीजिए थोड़ा सा। एक टर्म होता है प्रेडेशन, एक होता है पैरासाइटिज्म, एक होता है स्केवेंजिंग। स्केवेंजिंग यहां पर क्या होता है? ये लिविंग को खा रहा है, डायरेक्ट लिविंग को ईट, है ना। पैरासाइटिज्म क्या होता है? टू ईट लिविंग बाय स्लो प्रोसेस, या फिर ईट की जगह किल भी लिख सकते हो, है ना।
क्योंकि अगर बहुत वीक हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली जल्दी मर जाएगा, लाइफ साइकिल कम हो जाएगी। हमने बात की थी ग्रोथ, सर्वाइवल, रिप्रोडक्शन रेट, पॉपुलेशन डेंसिटी, सब कम कर देता है, लेकिन सारी स्लो प्रोसेस होती है। ये डेड को खाता है, ईट डेड ऑर्गेनिज्म, ये याद रखिएगा। कई लोगों को डाउट रहता है इन चीजों में ना, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक। चलिए तो हम बात करते हैं प्रेडेशन की, स्टार्ट करते हैं प्रेडेशन। प्रेडेशन 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 का मतलब होता है ये किल करके मारते हैं, मतलब किल करके ईट करते हैं, ये क्या करते हैं, हंटिंग करते हैं बेसिकली, किल ईट, या फिर पहले कैच भी लिख सकते हैं, कैच किल ईट, इस तरह से ये खाते हैं। ये ऐसे नहीं खाते कि उनके अंदर रह रहे हैं फिर आराम से उनको वीक कर रहे हैं फिर खा रहे हैं, ये सीधा पकड़ेंगे मारेंगे खा जाएंगे, ये उनका प्रेडेशन। अब प्रेडेशन के एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, लाइक ये जो आपका है डियर, वुल्फ, लॉयन, डियर, वुल्फ और लॉयन, यहां पर क्या चल रहा है बेसिकली, ये प्रेडेशन ही तो चल रहा है, क्या है ये सारा, ये प्रेडेशन है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक चीज समझिएगा, अगर डियर और वुल्फ को ही ले लें, लॉयन को ना भी लें, तो डियर आपका कैसा होगा, छोटा होगा, स्मॉल, ये आपका लार्ज होगा हमेशा। तो ये पॉइंट मैंने पहले भी क्लियर कर दिया, दोबारा कर रहा हूं। इसके अलावा स्पैरो, आप से चिड़िया, ये जो सीड खाती है, ये जो सीड खाती है ये भी एक तरह का प्रेडेशन है, याद रखिएगा, स्पैरो का सीड को खाना भी एक प्रेडेशन ही है, ये पॉइंट याद रखिएगा। कई लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, मुझे नहीं पता क्यों रहते, पर रहते बहुत लोग हैं, है ना, ये भी एक तरह का क्या है, प्रेडेशन है, ठीक है। चलिए तो अगला जो हमारा एग्जाम्पल है वर्म डिस्कस करेंगे, हमारा कैमरा बंद हो गया था शायद, इसलिए मैं अभी एक गैप आ गया बीच में, तो शायद मैंने ये वाला पॉइंट आपको बता दिया होगा। स्पैरो जिसने अगर नहीं सुन पाया है तो मतलब, या फिर नहीं रिकॉर्ड हुआ है, मुझे आइडिया नहीं है इस चीज़ का, तो देख लीजिएगा, स्पैरो का सीड को खाना भी एक क्या है, प्रेडेशन ही है। इसके अलावा गोट जो ग्रास खाती है, गोट जो ग्रास खाती है, ये भी एक तरह का क्या है, प्रेडेशन ही है, क्योंकि आप कंप्लीट लाइफ को खा रहे हो। जब भी आप लिविंग थिंग को खाओगे, कंप्लीट लाइफ को खा जाओगे, तो वो भी क्या है, एक तरह का प्रेडेशन। आप कई लोग बोलेंगे सर सीड, सीड कहाँ लाइफ होती है, सीड के अंदर भाई एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो एक कंप्लीट लाइफ को जन्म देने वाला है, ठीक है, इसलिए उसको हमने प्रेडेशन में कंसिडर किया। तो ये तीन एग्जाम्पल बेसिकली, वुल्फ हो या फिर इसको टाइगर लिख लीजिए या लॉयन लिख लीजिए, ये सब एक ही चीज़ है ना, तो ये चीज़ें हमारी प्रेडेशन में आती हैं, ठीक है। और ये बेसिकली करते क्या है, कैच किल ईट, और इसके बाद खा जाते हैं हंटिंग के थ्रू, है ना, हंटिंग। इसी तरह से अगर बोलें ग्रेजिंग करना, जो ये करते हैं ग्रेजिंग, ग्रेजिंग भी किसके अंदर में आता है बेसिकली, आपका इसमें प्रेडेशन के अंडर में आता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगली हम बात करते हैं इसके सिग्निफिकेंस की, किसकी सिग्निफिकेंस की। सिग्निफिकेंस में क्या होगा कि कुछ पॉइंट्स में आपको बताऊं, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये जो प्रेडेशन हो रहा है इसका हमको क्या फायदा है, वो फायदा हम समझते हैं सिग्निफिकेंस में। पहला है एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो, आप सबने ये देखा, लाइक ग्रास है, ग्रास को रैबिट ने खाया, रैबिट को वुल्फ खा गया, वुल्फ को लॉयन ने खा लिया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं T1 ट्रॉफिक लेवल, इसको हम बोलते हैं T2 ट्रॉफिक लेवल, इसको हम T3 ट्रॉफिक लेवल, इसको हम T4 ट्रॉफिक लेवल। अब जो ये ट्रॉफिक लेवल है ये बेसिकली फंक्शनल लेवल बताते हैं, ना कि स्पीशीज बताते हैं। कई लोगों को लगता है ये जो फूड चेन में ये जो हो रहा है ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये प्रेडेशन हो रहा है बेसिकली, बात समझ रहे हैं, प्रेडेशन चल रहा है,
ठीक है, अब हो क्या रहा है लेकिन एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है, रैबिट ने इसको खाया तो एनर्जी लेके गया ना ले। और जो मैं बात बोलना चाह रहा हूँ कि ट्रॉफिक लेवल जो है ये क्या शो करते हैं, बेसिकली फंक्शनल लेवल शो करते हैं कि क्या फंक्शन है उनका, ना कि स्पीशीज बताते हैं कि कौन सी स्पीशीज आई है। बात समझ रहे हैं? तो ट्रॉफिक लेवल का याद रखिएगा, ट्रॉफिक लेवल शोज फंक्शनल लेवल, या फिर शोज की जगह आप रिप्रेजेंट भी लिख सकते हैं ना, रिप्रेजेंट्स फंक्शनल लेवल नॉट स्पीशीज इन फूड चेन। ये पॉइंट दोस्तों याद रखिएगा। अच्छा एक और चीज, जो आपके बेसिकली जो प्रेडेटर्स होते हैं ये काम करते हैं कंड्यूट की तरह। एक एनसीईआरटी में टर्म दे रखा है कंड्यूट, याद रखिएगा उसको, मैं बता देता हूं। जो प्रेडेटर्स होते हैं एक्ट एज अ कंड्यूट फॉर प्रे, है ना दोस्तों। अब ये कंड्यूट का मतलब क्या होता है, कंड्यूट का मतलब होता है चैनल, क्या मतलब होता है चैनल, ठीक है। तो ये बेसिकली कंड्यूट के तरह काम करते हैं, और ये जब जो ये जो प्रेडेटर्स हैं ये एक तरह से चैनलाइज कर देते हैं किसको, एनर्जी फ्लो को, कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जाएगी एनर्जी, फिर तीसरे पे जाएगी, फिर चौथे पे जाएगी, और कहाँ एंड होना है, किस ट्रॉफिक लेवल पे कौन कितनी एनर्जी गेन करेगा, कौन किसको कम मिलेगी किसको ज़्यादा मिलेगी, ये सब काम प्रेडेटर इंश्योर करता है। क्योंकि अगर प्रेडेटर थोड़ा भी गड़बड़ हुआ या वो कंड्यूट की तरह काम नहीं किया या प्रेडेटर को हटा दिया तो पूरी की पूरी फूड चेन खराब हो जाती है, हम पहले भी देख चुके थे, ठीक है दोस्तों। चलिए अच्छा, इसके अलावा तो ऐसा मत समझिएगा सिर्फ लॉयन प्रेडेटर है, मैंने इसीलिए वो एग्जांपल दिया था ग्रास रैबिट वुल्फ लॉयन। यहां से अगर रैबिट को भी हटा दिया ना तो ये पूरी फूड चेन बिगड़ गई, ना तो वुल्फ ग्रास खा सकता है ना लॉयन ग्रास खा सकता है, बात समझ रहे हैं। और ग्रास इतनी ज्यादा हो जाएगी फिर उसकी कोई लिमिट नहीं, और ये दोनों भूखे मर जाएंगे, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा कि पूरा फूड चेन खराब हो जाएगी, ठीक है। अच्छा इसके अलावा जो दूसरा एग्जांपल हमको याद रखना है, मैं इसका मिटा दूं फिर ही पूरा आएगा वो, दूसरा है मेंटेन इकोसिस्टम बैलेंस, मेंटेन इकोसिस्टम बैलेंस। इकोसिस्टम का बैलेंस ये कैसे मेंटेन कर रहे हैं प्रेडेटर, ये बेसिकली क्या कर रहे हैं कि ये कंट्रोल करते हैं किसको, प्रे पॉपुलेशन को। कैसे कंट्रोल कर रहे हैं समझिएगा बात को, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अब आएंगी थोड़ी सी एग्जांपल्स और थोड़ी सी बेसिकली एग्जांपल एक्सपेरिमेंट जो हुए हैं उनके बारे में, और कई सारे कम से कम 6 से 8 ऐसी एग्जांपल्स आने वाले हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और ऐसा कोरिलेट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो इकोसिस्टम बैलेंस को कैसे करते हैं ये बात हमने पहले कर ली थी कि प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल करके, प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, बाय प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल करके। एक बेसिक एग्जांपल बताता हूँ जो सब कनेक्ट कर पाएंगे, वही डियर वुल्फ और टाइगर वाला। अब यहाँ पर एक जो बेसिक एग्जांपल मैंने दिया, यहाँ पर ये कैसे कंट्रोल कर रहा है टाइगर और ये वुल्फ और ये डियर। अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये उतने ही लोगों को खाएगा, ये ऐसा कभी नहीं करता कि इनको पूरे को खा गया, बात समझ में आ रही है। अगर ये पूरे को खा जाएगा या फिर ये प्रेजेंट ना रहे तो ये वुल्फ पूरे इसको खा जाएगी। तो ये बेसिकली ये इंश्योर करता है कि सबका बैलेंस बना रहे। अगर ये किसी रीजन में रह रहा है, फॉर एग्जाम्पल इस रीजन में है, तो इतने रीजन में तो टाइगर अकेला कवर कर लेता है पूरा रीजन अप्रोक्स, और जहाँ जहाँ ये रहेगा बाकी स्पीशीज कम रहेंगी, तो इससे इसको भी डर है, इससे इसको भी डर है, तो ये आपस में छुपे रहेंगे और थोड़ा थोड़ा एक्सप्लॉयटेशन होता है, पूरा कंप्लीट नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए लेकिन जो एग्जाम्पल हमको देखना है इम्पोर्टेंट वो हम देखते हैं। हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया, कहाँ चलेंगे ऑस्ट्रेलिया, चलो ऑस्ट्रेलिया घूम के आते हैं। आज ऑस्ट्रेलिया गए लेकिन हम पास्ट में गए ना, 1929 में जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ,
तो वहां पे एक कैक्टस था प्रिकली पियर कैक्टस, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया, प्रिकली पियर कैक्टस। अब इसके साथ पता है प्रॉब्लम क्या थी, प्रिकली पियर कैक्टस साथ इसका कोई भी जो नेचुरल प्रेडेटर था वो प्रेजेंट नहीं था। नेचुरल प्रेडेटर इसका क्या था, एब्सेंट। नेचुरल प्रेडेटर एब्सेंट था, तो ये जब नेचुरल प्रेडेटर के एब्सेंस में इसने क्या किया, हैवॉक क्रिएट कर दिया, क्रिएट्स हैवॉक बाय ग्रोइंग इन मिलियंस ऑफ हेक्टेयर ऑफ लैंड। ठीक है, तो मतलब बेसिकली पूरे रेंज लैंड में ग्रो कर गया। उसके बाद हमने क्या करना पड़ गया इसको कंट्रोल करने के लिए, एक मतलब मौत को लेके आए कैक्टोफेगस, बेसिकली कैक्टोफेगस को लेके आया गया उसने फिर ये, लेकिन इसका नेचुरल प्रेडेटर नहीं था और ये प्रे स्पेसिफिक भी नहीं था, नॉट प्रे स्पेसिफिक, उससे ये कंट्रोल हुआ, फिर ये कंट्रोल हुआ उसके बाद। ठीक है, तो यहां हमको क्या देखने को मिला कि अगर नेचुरल प्रेडेटर ना हो तो ये कितने ज्यादा ग्रो कर सकते हैं, ये बात हमें समझने को यहाँ पे मिलती है। अच्छा, इसके बाद एक और एग्जांपल की जब हम बात करते हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे थोड़ा सा। एक और चीज, ये जितनी भी मतलब एनर्जी ट्रांसफर हो रही है या फिर ये जो ट्रॉफिक लेवल पे जितना भी एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, ये डिपेंड करता है प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल पे और फूड की अवेलेबिलिटी पे। जितने भी ये चीजें चल रही हैं ट्रॉफिक लेवल पे, ये डिपेंड किस पे कर रही हैं, जितना फूड अवेलेबल है उस पे डिपेंड कर रही हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें एक दो चीजें मैं पहले थोड़ा सा और बताना चाहूंगा ग्राफ के फॉर्म में, या मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए, मैं बीच में ही बता रहा हूँ क्योंकि ये मुझे इंपॉर्टेंट ज्यादा लग रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला, ये किसका ग्राफ है कौन बताएगा, मैं थोड़ा सा वक्त दूंगा, सोच लीजिएगा फिर बताइएगा। अगर मैं ये बाद में बताऊंगा तो आप लोगों को सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा कंपेयर करवाना चाहता हूँ ये किस चीज का ग्राफ हो सकता है, और बना देता हूँ। नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर एंड नंबर फाइव, ये किस किस चीज के ग्राफ हैं, ये आपको अभी बताना है। ठीक है दोस्तों, देखिए अच्छे से देख लीजिए, ये आपको बताना है किस किस चीज के ग्राफ है। ठीक है, सोच लिया सबने, आराम से पॉज करके सोच लीजिए, अब मैं आंसर बताने वाला हूँ। ये है आपका म्यूचुअलिज्म का, बोला था ना, जहां जहां जैसे जैसे जाएंगे साथ साथ जाएंगे, ये देखिए साथ साथ जा रहे हैं। अगर इसमें गिरावट आ रही तो इसमें भी गिरावट आ रही है, इसमें उछाल आ रही तो इसमें भी उछाल आ रही है, मतलब किसी भी चीज की हो। ठीक है, ये किसका है, ये आपको दिख रहा होगा, ये फ्लैट लाइन है, मतलब ये कि जीरो है, एक ऊपर जा रहा है, मतलब ये कैसा है, प्लस वाला है। तो ये कैसा वाला है, जीरो और प्लस, मतलब कमेंसलिज्म हो सकता है, ये एक है जीरो, दूसरा है नेगेटिव, कौन सा होता है ऐसा, एमेंसलिज्म, दोनों नीचे जा रहे हैं, कौन सा हो सकता है, कंपटीशन, दोनों नेगेटिव हैं, दोनों ऊपर जा रहे हैं, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, ये कौन सा हो सकता है, प्रोटो कॉपरेशन। ठीक है दोस्तों, अब एक ऐसा भी कर सकते हो आप, ऐसा वाला एक ऐसा वाला, है ना, ये कौन सा हो जाएगा, ये वाला कौन सा हो जाएगा, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे, एक को फायदा हो रहा है एक को नुकसान हो रहा है, ये आपका एक्सप्लॉयटेशन का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ डायग्राम्स याद रखिएगा, मतलब मैंने इसलिए बता दी कि कई बार ऐसे सवाल पूछ ले जाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा हाई लेवल का है, सबके लिए नहीं है, हाँ पहले बेसिक समझ लीजिएगा उसके बाद इस पे आइएगा, नहीं तो पता लगा कई लोग करते क्या है बेसिकली कि बेसिक को समझते नहीं है, हाई लेवल का अच्छा लगता है उनको, जहां हाई लेवल के दिख दिया पढ़ने पहुंच जाएंगे, बनेगा कुछ भी नहीं, सिर्फ पढ़ने पहुंच जाएंगे, पूछ लो तो नॉर्मल फॉर्मूले भी नहीं बनते उनसे ढंग से। तो ये चीज याद रखिए, पहले नॉर्मल पे जाइएगा। अच्छा, इकोसिस्टम बैलेंस की हम बात कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे मेंटेन, तीसरा सिग्निफिकेंस, मेंटेन
स्पीशीज डाइवर्सिटी, दो सिग्निफिकेंस हम देख चुके हैं, एनर्जी फ्लो और इकोसिस्टम बैलेंस। अगला हम देख रहे हैं मेंटेन स्पीशीज डाइवर्सिटी, इसके लिए हम कहाँ चलेंगे घूमने, अमेरिका चलेंगे, कहाँ चलेंगे अमेरिका, चलो अमेरिका घूम के आते हैं। अमेरिका में कहाँ जाएंगे, रॉकी इंटरटाइडल एरिया में, रॉकी इंटरटाइडल एरिया में। यहाँ पर हमने क्या देखने को मिला, अब पहली चीज तो इस पे जाने से पहले मैं एक बार थोड़ा और इसको स्पीशीज डाइवर्सिटी का बता दूं कि स्पीशीज डाइवर्सिटी को मेंटेन कैसे कर रहे हैं। ये ऐसे मेंटेन कर रहे हैं कि ये प्रे को कंट्रोल नहीं कर रहे, मतलब बेसिकली प्रे कंट्रोल का काम भी तो कर ही रहे जो प्रेडेटर होते हैं, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा, ये उनकी पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है, ये जो उनका रिलीज है उस रिलीज को रोक रहे हैं, ये जो डाइवर्सिटी जो उनकी फैल जाती है उसको कंट्रोल कर रहे हैं ये बेसिकली। समझिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ, अब एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। रॉकी इंटरटाइडल एरिया में गए, यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल गया कि एक यहाँ पे स्टारफिश थी, क्या नाम है उसका, स्टारफिश पाइसेस्टर। ये क्या है, यहाँ की प्रेडेटर, ठीक है। अमेरिका में हम कहाँ गए बेसिकली, अब ये स्टारफिश की बात कर रहे थे, किसी ओशियन की बात चल रही है ना, पैसिफिक कोस्ट पे। तो स्टारफिश पाइसेस्टर को जब हमने एक्सपेरिमेंटली रिमूव करके देखा तो कुछ टाइम बाद हमको मिला कि 10 इनवर्टिब्रेट्स की, वर्टिब्रेट स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई। क्यों एक्सटिंक्ट हो गई, क्योंकि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन बढ़ गया था, ठीक है, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन बढ़ गया था, ठीक, इंटर स्पेसिफिक होगा ऑब्वियसली, तो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की वजह से ये 10 इनवर्टिब्रेट स्पीशीज गायब हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। तो इससे हमें क्या पता लगा, मेंटेन कैसे कर रहा है स्पीशीज डाइवर्सिटी को, ये अगर प्रीडेटर बना रहता तो क्या इनमें कंपटीशन हो पाता, नहीं हो पाता, क्योंकि ये अपने अपने इससे बचने के चक्कर में कम कम टाइम के लिए आती, लेकिन अब इनको क्या दिख गया, हमसे कोई सुपीरियर बचा नहीं है। जैसा कि हमारे घरों में होता है, लाइक कजिन भाई बहन आ गए और कई लोग इकट्ठे हो गए, जब तक पापा मम्मी घर पर बैठे हुए तब तक शोर शराबा और मस्ती बंद रहती है, लेकिन जैसे ही वो जाते फिर कोई सुपीरियर अथॉरिटी नहीं बचती किसी को अच्छा या बुरा बताने वाली, तो फिर आप क्या करते हो, जो मन में है वो करते हो, फिर चीजें बिगड़ जाती हैं, ठीक है, एक्सटिंक्ट नहीं होते, बिगड़ जाती है ना, तो एक्सटिंक्ट मत करवा देना सीधा, नहीं कई लोग फ्लो फ्लो में सीधा हाँ एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, पूरे भाई बहन सारे एक्सटिंक्ट हो गए, खत्म हो गए, कोई बचे ही नहीं परिवार में, अकेले हम ही हैं, ठीक है। तो ये बात समझिएगा कि हमने प्रेडेटर को एक्सपेरिमेंटली रिमूव किया, तो मेंटेन स्पीशीज डाइवर्सिटी कैसे कर रही है, बाय रिड्यूसिंग कंपटीशन, ये याद रखिएगा, है ना दोस्तों। अच्छा, अगला चौथा हम इसमें जो देखने वाले हैं वो है बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड इसमें समझिए, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक लिविंग, वन लिविंग टू अनदर लिविंग, क्या कहने का मतलब है इसका, ये एक लिविंग दूसरे लिविंग को कंट्रोल कर रहा है, बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं, और इसका जो बेसिक फंडा है वो प्रेडेशन है, मतलब एक दूसरे को खा रहे हैं, सब में यही चल रहा था कहेंगे अभी आप, हाँ भाई ऐसा ही है, अभी समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। पहला है एग्जाम्पल गैम्बुशिया, अब शायद समझ में आएगा, गैम्बुशिया फिश है ना, ये सबने सुना होगा, ये क्या करती है, जो मॉस्क्यूटो होते हैं उनके लार्वा को खा जाती है, तो क्या हो जाता है भाई, मॉस्क्यूटो की कमी हो जाती है पानी में, पैदा होने से पहले ही मार दिया है ना, गर्भ में हत्या कर दी, गर्भ में हत्या वाला कहानी सुना होगा है ना, तो वो हालांकि ह्यूमंस में इलीगल है, मच्छरों में इलीगल नहीं, हम बहुत करते हैं ना, गैम्बुशिया फिश छोड़ देते हैं, जब भी लेक वेक दिखता है वहाँ छोड़ दिए जाते हैं, ये नेचुरल प्रेडेटर भी होता है इसका, है ना। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं गैम्बुशिया फिश और इसकी बात कर ली, हॉक की बात कर लो, ये बेसिकली इसको कंट्रोल करके रखता है, ये याद रखिएगा ना, कंट्रोल की बात कर रहे हैं, मजाक की बात अलग है, ये कंट्रोल करके रखता है। हॉक की अगर हम बात करते हैं तो हॉक किसको कंट्रोल करेगा, हॉक समझते हैं ना,
ये आपके गिद्ध विद्ध दिखते हैं भाई, हॉक है ना, स्कैवेंजिंग करते हैं बेसिकली, ये बर्ड को कंट्रोल करते हैं बेसिकली। जब हॉक कहीं अगर किसी चीज़ को खाने जा रहा है, उस चीज़ को खाने बर्ड कभी नहीं जाएगी, क्योंकि हॉक बहुत बड़ा साइज का होता है, बर्ड को भी खा जाएगी, भरोसा थोड़ी है। अच्छा, इसके अलावा एक एग्जाम्पल जो आपको याद रखना है यहाँ पे इम्पोर्टेंट, आर्थ्रोबोट्राइटिस बोट्रिस डेक्टाइलेला। हाँ, बहुत अजीब सा नाम है पर याद करना है ना, कोई ऑप्शन नहीं है। ये क्या करता है, पेस्ट कंट्रोल, पेस्ट को खा जाता है, पेस्ट कंट्रोल का काम कर रहा है ना, इंसेक्ट है ये, क्या है, इंसेक्ट है, कंट्रोल किसको कर रहा है, पेस्ट की पॉपुलेशन को। तो ये एग्जांपल आपको इसमें याद रखने हैं, और इनका कोई अल्टरनेट भी नहीं है, मैं ऐसा कभी नहीं बोलूंगा कि याद नहीं रखने या कोई अल्टरनेट तरीका है इनको याद करने का, या फिर हाँ, कई लोग एक और चीज, कई लोग जाते हैं निमोनिक्स के पास, कई लोग क्या करते हैं निमोनिक्स याद करेंगे, भाई इस चैप्टर में निमोनिक्स से याद मत करना। क्यों नहीं करना निमोनिक से याद, कि निमोनिक ही याद रह जाएंगे, फिर ये भूल जाओगे कि किसका क्या रिलेशन था और कैसे वो बन रहे थे, बात समझ में आ रही है। तो निमोनिक का याद मत करना, पहले वार्न कर दे रहा हूँ, नहीं तो फिर क्या होगा, जब एग्जाम आएगा अगले साल, या फिर अभी जो अभी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं 2 महीने के लिए, तो याद रखिएगा, एग्जाम के बाद आप बोलोगे कि सर आपने सही बोला था, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये है बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड, हो गई हमारी स्टडी नंबर 4th थी ये, ठीक। अच्छा, इसके बाद जो हमको पढ़ना है, लेकिन पढ़ने से पहले मैं एक दो चीजें और बताना चाहूंगा। आपके जो प्रेडेटर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, प्रूडेंट होते हैं नेचर में, कैसे होते हैं, प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, चालाक। क्या मतलब होता है चालाक, ये कभी भी अपने प्रे को ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करते, ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करते, ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करते। क्यों नहीं करते, अगर ओवर एक्सप्लॉइट कर दिया, मान लो आज शेर है, शेर का मूड हुआ, आज तो हम सबको खा जाएंगे, जितने हिरण दिखेंगे, जितने रैबिट दिखेंगे, जो दिखा, जो भी दिख गया, हम तो खा जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, कल खाना मिलेगा कहाँ से, घास खाएगा क्या फिर, जब हिरण ही नहीं बचेंगे तो क्या घास खाएगा, वो नहीं खाएगा, इसीलिए वो क्या करता है, वो चुन चुन के खाता है, एक दो रोज, रोज के एक दो, रोज के एक दो। तो ये चीज़ याद रखिएगा, वो वाली कहानी सुनी होगी ना, मुर्गी वाली और सोने के अंडे वाली, तो वही कहानी यहाँ लागू हो जाएगी, है ना। चलिए, तो ये प्रेडेटर्स की हमने बात की, तो ये प्रूडेंट होते हैं, ये याद रखिएगा, प्रूडेंट का मतलब होता है चालाक। कई लोगों के समझ में नहीं आता, 2 टर्म इसमें आए, एक आया कंड्यूट और दूसरा है प्रूडेंट। कंड्यूट का मतलब होता है चैनल, एक चैनल करता है, चैनलाइज करता है एनर्जी के फ्लो को, और ये जो आपका प्रूडेंट है, इसका मतलब होता है चालाक, ठीक है, लोमड़ी वाला चालाक, हाँ वही वाला, ठीक है। लेकिन ये कुछ ज्यादा ही चालाक है, ये अपने प्रे को कभी ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करता, अगर कर देगा तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, अब क्या होता है, इतने सारे प्रेडेटर हैं, तो प्रेडेटर से बचने के लिए किसी के पास कुछ नहीं होता, होता है, लाइक कैक्टस हो गया, अकेशिया हो गया, अकेशिया सुंदरा है ना, अकेशिया, कैक्टस हो गया, अकेशिया हो गया, इनके पास क्या रहता है, बेसिकली थॉर्न्स होते हैं बचने के लिए, क्या होते हैं, थॉर्न्स होते हैं। ऐसे अगर कैलोट्रोपिस की बात करें, तो कैलोट्रोपिस आपने देखा होगा, कैलोट्रोपिस अकौआ सबने सुना होगा, कैलोट्रोपिस जो शंकर जी पे जिनका फूल वो भी चढ़ाया जाता है ना, फूल भी चढ़ाया जाता है। तो कैलोट्रोपिस में क्या देखने को मिलता है, वहां पे आपने जब पत्ती तोड़ी होगी, कुछ मिल्की जैसा सब्सटेंस निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसमें क्या होता है, बेसिकली कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, है ना, मतलब हार्ट रोक देने वाले कुछ ऐसे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। तो आपने कभी देखा होगा, जितने भी कैटल्स होते हैं, कभी उस पेड़ को नहीं खाते हैं, है ना, वो भी चतुर है, मर जाएंगे खा गए तो, है ना। तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड होते हैं किससे बचने के लिए, अपने प्रेडेटर से बचने के लिए। कई लोग क्या करते हैं, ये हम बेसिकली अभी प्लांट के बात कर रहे हैं, प्लांट में क्या क्या होता है डिफेंस के लिए, है ना, सबको डिफेंस की जरूरत पड़ जाती है ना, डिफेंस तो चाहिए चाहिए। तो कैक्टस अकेशिया के लिए थॉर्न्स हो गए, कैलोट्रोपिस के पास कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। अच्छा, कई ऐसे होते हैं जो कैफीन वाले हैं, ओपियम वाले हैं, इन सब के पास भी कुछ ना कुछ होता ही हुए। ऐसे स्ट्राइचनिन है, स्ट्राइचनिन शायद सबने सुना होगा, इसका नाम भी होता है नक्स वोमिका, ये बेसिकली स्पाइनल पॉइजन की तरह काम कर जाता है, नक्स वोमिका, ठीक है दोस्तों। तो ये आप याद रखिएगा, थोड़ा सा काम का है, आई एम सॉरी। अच्छा, तो एनिमल के पास भी कुछ ना कुछ होता होगा, हाँ भाई एनिमल के पास भी होता है। सबसे पहली चीज होती है, एनिमल में क्या खास देखने को मिलता है आप में और हम में,
हाँ इंसान बदल बहुत जल्दी जाता है ना, इंसान बदल बहुत जल्दी जाता है। यहाँ आ जाओ, दिमाग कहीं और जा रहा है तुम्हारा। पहली चीज आती है कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज। तो कैमोफ्लेज आपने सबसे ज्यादा कहाँ देखा है? गिरगिट है ना, सबसे बेस्ट बेस्ट एग्जांपल जो बचपन से सुनते आ रहे हैं, गिरगिट जैसे कलर बदल लेता है। तो यहाँ पर ये बेस्ट है जो एनिमल्स में देखने को मिलता है। एक जो आप, और ये सारे के सारे सिर्फ आपके सिलेबस के लिए बता रहे हैं, नहीं ये मत बोलने लगना सर हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल है ना, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, वो हमारा डिफेंस कर रही है। यहाँ हम बात कर रहे हैं जो आपके काम का है, जो पेपर में आ सकता है। तो कैमोफ्लेज की हमने बात की, एक बात हम करते हैं मोनार्च बटरफ्लाई की। किसकी? मोनार्च बटरफ्लाई। हाँ ये क्या कर रही है भैया? मोनार्च बटरफ्लाई, ये बेसिकली ये बहुत चतुर है। ये क्या करती है? ये पॉइजनस वीड्स खा जाती है। क्या खा जाती है? अपने लार्वल स्टेज में क्या खा जाती है? पॉइजनस वीड है ना, लोग वीड का कई और इस्तेमाल करते हैं, ये तो खाई जा रही है ना, पॉइजनस वीड खा रही है वो भी। तो देख रहे हो शंकर जी बनने की कोशिश हो रही है। तो पॉइजनस वीड खा गई। अब होता क्या, जब ये पॉइजनस वीड खा जाती है तो जब इसको कोई और खाता है तो इतना डिस्टेस्टफुल है इसका, इतनी डिस्टेस्टफुल है क्योंकि टच करके ही भग जाए। आप समझ रहे हो? इतनी डिस्टेस्टफुल है, किसी ने टच किया और भाग गया। ये हालत तो है भाई, है ना। तो मोनार्च बटरफ्लाई की ये हालत है। तो ये बेसिकली हम ये देख रहे थे कि क्या क्या डिफेंस की चीज़ें हैं। अच्छा एक दो चीज़ और समझिएगा काम की है। मानता हूँ ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया है, पर ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई ऐसा मत करिएगा 15 मिनट देखा कि सर तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है, भगाओ इनको, है ना। अपन नहीं देख रहे लेक्चर, और कहीं देख लेंगे, कहीं 10 मिनट में पढ़ लेंगे, रीड लगा लेंगे। तो रीड, हाँ तो दोस्तों इतना बड़ा लेक्चर हो गया भाई कि बैटरी चली गई थी ना, तो अपन बैटरी चेंज करके आए। तो अब अपन बात करेंगे, सिग्निफिकेंस हो गया, अब अपन बात करेंगे एमेंसलिज्म की। किसकी? एमेंसलिज्म। सिग्निफिकेंस अपन ने पढ़ लिया। अच्छा एमेंसलिज्म पढ़ने से पहले एक और बात समझ ली, जो भी अपना अपनी वो होती है ना इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम सबको पता है ना, बायोटिक एबायोटिक के बीच में रिलेशन याद आ रहा है सबको, ठीक है। तो जो आपका इकोसिस्टम होता है इसकी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो वो इंश्योर कौन करता है? ठीक है, ये कॉमन सेंस की बात थी, मैंने इसलिए बता दिया कि भाई कई लोग कॉमन सेंस नहीं कॉमन सेंस की बात नहीं करना सर, हाँ बुरा लग जाता है। तो कॉमन सेंस की अगर हम यही बात कर रहे हैं कि अगर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की बात करें इकोसिस्टम की, तो वो इंश्योर कौन करता है आपका? यही प्रेडेशन इंश्योर करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये याद रखिएगा। अगला जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है अमेंसलिज्म। हाँ अमेंसलिज्म यार नहीं है, अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म में क्या बात करी थी? एक को नुकसान होगा, एक का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ अपन को क्या देखने को मिलता है कि जैसे ये आपके एनसीईआरटी ने डिटेल में दिया भी नहीं, डिटेल शायद दिया ही नहीं है, हेडिंग तो दी भी नहीं है। तो इतना याद रखिएगा इसमें कि जो एंटीबायोटिक वगैरह रिलीज करते हैं ना, जो भी केमिकल रिलीज करते हैं, ऐसा समझ लीजिए एक ऑर्गेनिज्म है ना, ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ बना देंगे। डायग्राम मेरे अच्छे नहीं है ना, पर समझ लीजिएगा थोड़ा। ये अपना पेड़ भी हो गया है ना, दोनों चीज बनाती है, ये अपना ऑर्गेनिज्म हो गया है ना, ऑर्गेनिज्म। इसने क्या करा? केमिकल रिलीज किया। अब ये केमिकल बेसिकली प्लांट भी कर सकता है, एनिमल भी और माइक्रोब्स भी। जब ये तीनों ही कुछ ना कुछ सीक्रेट कर देंगे तो सीक्रेट करके क्या नुकसान किसका है? किसी ना किसी का तो है, और ये किसी ना किसी को सप्रेस करेंगे, कुछ ना कुछ केमिकल रिलीज करके सप्रेस करेंगे। जब भी सप्रेस करेंगे तो उसका तो नुकसान है, पर इनका कुछ बिगड़ रहा है क्या? नहीं, इन्हें तो रिलीज कर दिया मतलब अपने कर दिया। तो प्लांट में अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल आता है पार्थेनियम ग्रास का। हाँ पार्थेनियम ग्रास सबने देखी होगी है ना, ये हर खेत जो मैदान होते हैं ना, जो अपन क्रिकेट जो ओरिजिनल क्रिकेट स्टेडियम की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ अपन वैसे खेलते रहते हैं, शाम को खेलने पहुँच जाते हैं क्रिकेट वगैरह। आजकल तो मुश्किल है, खेलते हो पबजी के ज़माने में कौन खेलता है, पर हम खेला करते थे ना। तो पार्थेनियम ग्रास की अगर हम बात करें तो इसको हम इसलिए बोलते हैं कि हर ग्राउंड में इतनी फैली रहती है, ये जहाँ भी जगह मिलती वहाँ फैल जाती है, ठीक है। इसको हम कांग्रेस ग्रास भी बोलते हैं, कांग्रेस ग्रास। ये बेसिकली क्या सीक्रेट करती है? ट्रांसिनामिक एसिड। हाँ ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बता दे रहा हूँ बस, ट्रांसिनेमिक एसिड। तो ये क्या करता है, आपकी जो वैसे प्लांट होते हैं ना सनफ्लावर वगैरह, ठीक है, सनफ्लावर वगैरह होते हैं जो, इनको सप्रेस कर देता है जहाँ ये ग्रो कर रहे होते हैं। अगर ये ग्रो कर गई तो ये सनफ्लावर वगैरह जो भी जहाँ ग्रो कर रहे होते हैं ना उसको सप्रेस कर देता है। अब कांग्रेस ग्रास क्यों बोला सर?
क्योंकि जैसे कांग्रेस फैली थी अपने यहाँ पे वैसे ये फैल गई थी, और इसी टाइम के जमाने के टर्म्स है तो अभी चेंज नहीं हो सकते है ना। अभी बोलते तो अपन बीजेपी ग्रास बोल देते या फिर और कुछ बोल देते या फिर अपन कोरोना ग्रास बोल देते ना, बहुत ज्यादा फैल रहा है ठीक है। लेकिन जब पहले कांग्रेस ज्यादा फैली थी तो अपन ने क्या बोल दिया, कांग्रेस ग्रास ठीक है। चलो तो ये तो हो गई इसकी प्लांट की बात, एनिमल और माइक्रोब्स में आ जाओ। तो यहाँ आपने एंटीबायोटिक नाम का एक शब्द सुना होगा, एंटीबायोटिक हमको मिलती कहाँ से, बैक्टीरिया से। अब बैक्टीरिया से मिलती है, फंगस से मिलती है, लाइक फंगस से मिल रही है तो अगर वो भी प्लांट ही है ना, प्लांट में रख लो उसको कंसिडर कर लो, बुरा मत मान जाना ना। तो प्लांट में या फिर अपन माइक्रोब्स में कंसिडर कर लो फंगस को, माइक्रोब्स कर लो। क्या होता है पेनिसिलिन, पेनिसिलिन कहाँ से आता है भैया, पी नोटेटम। आजकल नोटेटम से नहीं आता, बात अलग है, पर जब पहली बार आया था तब नोटेटम से आया था ठीक है। अब क्राइसोजीनम से आता है कोई एनिमल, वो अगर आपको फिर भी डाउट आ रहा है तो प्लांट डाइवर्सिटी वाला लेक्चर देखो, समझ में आएगा है ना। चलो तो पेनिसिलिन है, ये क्या करता है भैया, बैक्टीरिया को किल कर देता है। तो किसी का सप्रेशन हो रहा है, इसका कोई नुकसान है क्या, ये तो नॉर्मली रिलीज कर रहा है भैया, इसका नुकसान थोड़ी है, बचने के लिए थोड़ी, इसको बैक्टीरिया थोड़ी इफेक्ट कर रहा है, पर वो रिलीज कर रहा है, मर्जी उसकी। ऐसे अगर थोड़ा देखा जाए तो क्लोरेला, क्लोरेलिन सुना होगा, ये भी सप्रेस करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना बहुत है अपने कमेंसलिज्म के लिए। तो कमेंसलिज्म में इतना समझिएगा, कोई कुछ रिलीज कर रहा है केमिकल, उसकी वजह से दूसरा सप्रेस हो रहा है, उसके सप्रेशन की वजह से यहाँ पर हमको एक में फायदा, सॉरी एक में नुकसान मिल रहा है, एक में हमको कुछ नहीं मिल रहा है। ग्राफ की बात करें तो ग्राफ याद है ना सबको, एक का कुछ नहीं हो रहा है, एक का नुकसान हो रहा है ना। तो मैं मिटा देता हूँ, ज़्यादा समझ में आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी सबको, सब सब समझ आ जाएगा, फिर बचेगा कौन सा, सिलेक्शन कितने लोगों का होता है। हाँ कई लोग बोलेंगे सर अब तो सीट्स बढ़ गई हैं, हमारा भी हो ही जाएगा। हाँ भाई सीट्स भी बढ़ गई हैं, बच्चे पेपर देने वाले बच्चे भी बढ़ गए हैं है ना, तो ये मत करिएगा सीट्स बढ़ गई हैं, अब क्या अब तो होना ही है, बच्चे भी पहले हमारे टाइम पे 6-6 लाख 5-5 लाख बच्चे पेपर देते थे, आजकल 15-20 लाख बच्चे पेपर देते हैं। सीट बढ़ने का मतलब यही नहीं है, कॉम्पिटिशन तो बढ़ ही रहा है ना, दोनों मरोगे। मजाक करो, मरना वरना नहीं है ना। चलो थर्ड नंबर का हम देख लेते हैं क्या है हमारा, हमारा लास्ट बचा था कॉम्पिटिशन ही बचा था, बताओ किस्मत में भी कॉम्पिटिशन ही है, कॉम्पिटिशन। तो कॉम्पिटिशन की अगर हम बात करें तो कॉम्पिटिशन कितने तरह का होता है, दो तरह का, एक इंट्रा स्पेसिफिक, इंटर स्पेसिफिक, हर जगह यही कहानी है ना, एक इंट्रा स्पेसिफिक, आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, इंट्रा स्पेसिफिक एक है, इंटर स्पेसिफिक। अच्छा एक बात समझिएगा, मजाक मजाक ठीक है, इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ ठीक है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब चार्ल्स डार्विन का नाम सबने सुना होगा इवोल्यूशन के टाइम से है ना, अपनी जो उनकी बुक्स हैं फेमस, तो उसके अलावा मतलब उनका नाम सबने सुना, स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टिंग, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ये सारी थ्योरीज दी थी, तब वो कन्विंस थे कि इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन जो होता है वो पोटेंट फोर्स होता है इवोल्यूशन के लिए। क्या बोला मैंने, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन जो होता है वो पोटेंट फोर्स होता है इवोल्यूशन के लिए। पोटेंट फोर्स मतलब पोटेंशियल फोर्स है कि वो करवा सकता है इवोल्यूशन, इतना उसमें पोटेंशियल है। बात समझ रहे हैं, एक बात ये भाई साहब बोल के गए थे अपने डार्विन भैया है ना, डार्विन भैया महान आदमी है ना, सबको अब पता है उनके बारे में ठीक। चलो तो एक तो हमने ये बात करी, अब माना क्या जाता है कि रिसोर्स अगर लिमिटेड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, रिसोर्स लिमिटेड होते हैं तभी दिक्कत होती है। रिसोर्स का मतलब, रिसोर्स मतलब जो खाने पीने का आइटम है, अगर वो कम हो गया तभी लड़ाई झगड़े होंगे, अगर खाने पीने का आइटम बहुत ज़्यादा है तो लड़ाई नहीं होंगी, ऐसा नहीं होता, ये माना जाता था जनरली। पर ऐसे हमें दो एग्जाम्पल मिले, दो एग्जाम्पल ऐसे मिले हमको, मिटाना ही पड़ेगा, हाथ से मिट्टी नहीं रहा बताओ। तो हमको बेसिकली दो एग्जाम्पल ऐसे मिले कि जिनमें पहले में तो हम कहाँ घूमने गए, हम गए अमेरिका है ना, साउथ अमेरिका, घूमना घूमना बहुत पसंद है ना, बात बात पे अमेरिका ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, साउथ अमेरिका में गए। अच्छा एक बात, किसी को अगर ये डाउट आ रहा है, सर हमारे घर के पास वाले हमारे कानपुर में, हमारे लखनऊ में, या हमारे पटना में क्यों नहीं जा रहे हो, मतलब बार बार साउथ अमेरिका चले जाते हो या ऑस्ट्रेलिया चले जाते हो ठीक है, तो ये साइंटिस्ट भैया वहीं के थे, अपन क्या करें, इनको घूमने ही वहीं पसंद था ठीक। चलो आ जाओ वापस साउथ अमेरिका की बात करें, तो यहाँ क्या देखा इन, एक शैलो लेक की बात कर रहे हैं, शैलो लेक, तो यहाँ इन्होंने देखा कि भाई खाना बहुत है, कोई दिक्कत नहीं खाने की, लेकिन फिर भी दो लोगों में कंपटीशन देखने को मिल रहा है, दो अलग अलग स्पीशीज में इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन देखने को मिल रहा है। कैसे, यहां पर जो दो स्पीशीज थी, एक थी फ्लेमिंगो ठीक है, एक वहां की रेसिडेंट फिशेज
है ना, वहीं की रेसिडेंट थी, एनसीईआरटी की, जय हो। रेसिडेंट फिशेज और फ्लेमिंगो, तो इनमें आपस में क्या हो गई कंपटीशन। क्यों हो गया कंपटीशन? क्योंकि जो खाने का आइटम था जू प्लैंकटन, वो दोनों ही एक ही चीज खा रहे हैं, मतलब बेसिकली। अब जू प्लैंकटन, इनका कोई टाइम डिसाइडेड नहीं और ये वहीं रह रही हैं, तो जब ये खाने आएंगे तो इनमें आपस में क्या होने लग जाता था, कॉम्पिटिशन होने लग जाता कि हम खाएंगे ऐसा वाला, है ना। तो इनमें क्या देखने को मिल रहा है, कॉम्पिटिशन। तो और जू प्लैंकटन की कोई कमी नहीं थी, पर जगह ही उतनी थी भाई, खाना हमको ही है, अब जगह ही उतनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको बैठा दिया जाए डाइनिंग टेबल पर, ठीक है, डाइनिंग टेबल पर सीट्स लगी हुई हैं 8, और आपके यहाँ जो लोग आए वो आ गए 20, अब क्या करोगे, एक के ऊपर एक या एडजस्ट करके लगा दोगे, कितनी लगा दो, डबल लग जाएंगी, इतनी जगह हो सकती है ना, 16, 4 का क्या होगा, कॉम्पिटिशन होगा, है ना, समझ रहे हो बात को। अच्छा, एक और एग्जाम्पल हमको देखने को मिला, ठीक है, इसको हमने बोला इंटरफेरेंस। क्या मतलब इंटरफेरेंस का, कि एक ताकतवर इंसान की वजह से हमको कंपटीशन देखने को मिल रहा है। कैसे आते हैं अपने भैया, अपन जंगल में वापस आ जाते हैं ना, गरीब लोग हैं अपन, जंगल में रहने के आदि हैं। चलो, तो यहाँ पे क्या भैया, लॉयन है, और क्या है, हमेशा की तरह भाई वुल्फ, एक ही कहानी आती है अपन को, है ना, लोमड़ी और ये तुम्हारे क्या कहते हैं डियर, हिरण विरण की, है ना, यही कहानी आती है अपन को, ये है। अब जहां जहां लोयन जाएगा, बात समझ रहे हो, तो यहां क्या हुआ, जहां जहां लोयन जा रहा है वहां तो कोई नहीं जा पा रहा है, जगह बहुत है, रिसोर्स बहुत है, लेकिन लोयन रहता है ना भाई, वहां रिसोर्स है, तो क्या हुआ, मतलब फॉर एग्जांपल आपको एक सोने का सिक्का रखा मिल गया, या सोने की एक वो जो होती है ना प्लेट टाइप में होती है, जो समझ जाओ ना, स्लैब या ईंट समझ लो उसकी, तो वो रखी मिल गई और उसके ऊपर 4 कोबरा बैठे हैं, कोई जाएगा उठाने, रिस्क नहीं लेगा ना, मतलब आप ये मत बोलना हमसे, हम तो गोली मार के उठा लेंगे, ऐसा नहीं, मतलब फेयर गेम खेलो ना, लड़ाई करो। चलो, तो लोयन बैठा है, तो लोयन के पास ये जाएंगे नहीं, अब जगह तो इनके पास फिर भी कमी हो गई, तो ये क्या देखने को मिल रहा था, कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा था। क्यों? क्योंकि एक ताकतवर इंसान वहां मौजूद था, उसने क्या किया, लोगों को या तो हटा दिया या फिर उसने मतलब जगह कम करवा दी, बात समझ पा रहे ना, ये कहानी हमको देखने को मिलती है। चलो, इसके अलावा हमको कुछ और बातें भी इसमें करनी है, कॉम्पिटिशन में हमको और भी कुछ बातें करनी है, वो हम करते हैं। चलो, देखते हैं हम। अच्छा, तो इसमें जो कंपटीशन में आगे बढ़ेंगे तो एक बात आती है यहाँ पर, चलो यहाँ अलग से लिख देता हूँ, गाउस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये भैया बहुत अच्छे से सुनना, है ना, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, लिटरल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इंपॉर्टेंट, क्या वो समझते हैं, इन्होंने भाई साहब ने बोला कि रिसोर्स जब लिमिटेड हो तब जो सुपीरियर स्पीशीज होती है वो क्या करती है, इन्फीरियर स्पीशीज को क्या कर देती है, रिमूव कर देती है, या फिर उसको एक्सटिंक्ट कर देती है। क्या कर देती, या तो रिमूव कर देगी या फिर एक्सटिंक्ट कर देगी। तो इसके ऊपर हम दो कहानियां देखेंगे, कौन कौन सी कहानियां देखेंगे, दो, चलो दो कहानियां देखते हैं। ठीक है, क्या क्या कहानियां है, पहली है एक्सटिंक्शन की। एक्सटिंक्शन की कहानी में क्या बात है कि भाई हम गए कहां घूमने, अब गैलापागोस आइलैंड पे, कहाँ पे, गैलापागोस आइलैंड, बहुत लोगों का फेवरेट है ये, तो अपन भी जाते रहते हैं ना, अपन को भी बहुत शौक है यहाँ जाने, गैलापागोस आइलैंड पे हमको क्या देखने को मिला बेसिकली, कि यहाँ पर लड़ाइयाँ चल रही हैं। लड़ाइयाँ किस बात की चल रही हैं, क्या लड़ाई होगी, लड़ाई ये कि यहाँ पर जो पहले से रहते थे एबिंगडन टॉर्टोइस ये यहाँ का रेसिडेंट है भैया। अब ये तो बुरी बात है ना, कि जैसे तुम्हारे घर में किसी और को छोड़ के चला जाए और तुमसे ज़्यादा खाना खा जाए, तो भैया दिक्कत तो होनी है, तो वो इंसान ही ख़त्म हो जाता है, ऐसा हो गया यहाँ पे। क्या हुआ, अब ये टॉर्टोइस मतलब 200 साल तक जिंदा रहते हैं करीब करीब, है ना। तो यहाँ पे क्या करा गया, इंट्रोडक्शन किसका कर दिया गया, गोट का, और ये महान आत्मा है,
क्या है, महान आत्मा है। गोट ने क्या करा कि वहां की जितनी भी घास थी पूरे आइलैंड की पूरी खत्म कर दी। और गोट की बुरी आदत क्या है, ये हमने प्लांट एनाटॉमी में भी बात की थी कि जो कैटल होते हैं वो कहाँ से खाते हैं, ग्रास है फॉर एग्जांपल, ये अपनी ग्रास है ना, बची गया मैं गिर गया होता है ना, ये ग्रास है तो ये इतनी इतनी खा जाएंगे, तो ये क्या करती है, जो ग्रास इतनी सी बची थी ना ये वापस से ग्रो कर जाएगी। ये किसकी किसकी वजह से ग्रो करती है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, याद आ रहा है किसी के, दो मैच्योर टिश्यूज के बीच में प्रेजेंट होता है, ग्रासेस के एलोंगेशन में हेल्प कर रहा है ना, तो ये क्या कर रहा है, इतना खा गया, जो कैटल नॉर्मल होते हैं इतना खाने के बाद ग्रो करवाते थे, लेकिन जो गोट होती है वो ऐसे खाती है, ऐसे मिट्टी भी खा जाएगी थोड़ी सी, बिल्कुल जड़ से उखाड़ के खाती है, ठीक है। तो दिक्कत क्या होती है यहाँ से कि जो ग्रास थी वो कंप्लीट खत्म होती है, जो ग्रास होती है वो कंप्लीट खत्म हो जाती है, इस तरह से गोट खाती है। अब दिक्कत क्या हुई यहां पर, भाई इन्होंने क्या कर दिया, ग्रास खत्म, जब ग्रास फिनिश करी तो ये भाई साहब भूख से मर गए, ये एक्सटिंक्ट हो गए। बात समझ में आ रही है, हुआ ये कि रिसोर्स थे लिमिटेड, अब रिसोर्स लिमिटेड थे, आपने क्या किया, उसके कंपटीशन में ऐसा इंसान उतार दिया जो खाने में ज्यादा बेटर है। फॉर एग्जाम्पल मेरे कंपेरिजन में तो आपने कोई हट्टा कट्टा, मतलब 6-7-8 फुट का बहुत ज़्यादा बोल दिया, 6.5 फुट हो गई, मेरा तो बहुत हाइट कम है ना, 6.5 फुट का भी इंसान खड़ा कर दिया और हेल्दी कर दिया, तो मेरे से 4 गुना तो ज़्यादा खाएगा ये एटलीस्ट। आप खाने में दे रहे हो 10 रोटी, नॉर्मल 10 रोटी दे रहे हो, अब 10 रोटी में से वो पूरी खा जाएगा, मेरे को कुछ देगा क्या, मांगो तो पता ही है तुम्हें क्या होगा, एक्सटिंक्शन, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है ना, माउंटेन ड्यू, तो एक्सटिंक्ट हो जाएगा इंसान। तो ये बात समझ में आ रही है एक्सटिंक्शन की। अब बात करते हैं हम रिमूवल की, तो रिमूवल के ऊपर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके भी देखा, ये सारे एक्सपेरिमेंटेड चीज़ें हैं ना, तो इनमें कुछ ऐसा मत करिएगा, अपना दिमाग मत लगाइएगा, एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं उनके बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। कॉर्नेल फील्ड एक्सपेरिमेंट, कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट है, कॉर्नेल्स पूरा लिख दे रहा हूँ लो, एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर भी हम कहाँ गए, जाते हमेशा जाएं, ठीक है, पैसिफिक रीजन में गए, पैसिफिक रीजन में जाने के बाद हम रॉकी इंटर टाइडल एरिया पे पहुँच गए, है ना, इंटर टाइडल एरिया। अब यहाँ हमको क्या मिला, हमको देखने को मिली दो स्पीशीज, ठीक है, बारनेकल्स की, ठीक है, हमको किसकी स्पीशीज देखने को मिली, दो स्पीशीज देखने को मिली बारनेकल्स की, बारनेकल्स, आई एम सॉरी बहुत गड़बड़ हो गई, एक सेकेंड, क्या गड़बड़ हुआ, ये गड़बड़ हुआ कि सही दिखेगा ही नहीं तुमको, बारनेकल्स। अब बारनेकल्स की कितनी स्पीशीज थी, 2 स्पीशीज, हाँ इस बार कपड़ा छोड़ूंगा नहीं ना, बहुत टाइम लग जाता है वहां जाते हो, 2 स्पीशीज, 2 स्पीशीज जब इसकी थी, वो कौन कौन सी थी, एक का नाम था बेलेनस और दूसरा नाम था चैथामेलस। हाँ नाम अच्छे नहीं है, कोई बात नहीं, याद तो करने हैं भाई, क्या करें, ये थी इन्फीरियर और ये जो ऊपर लिखी है वो सुपीरियर। हाँ ऐसा कुछ मतलब फंडा नहीं है कि भाई ऊपर लिखा इसीलिए सुपीरियर है ना, ये होती सुपीरियर है, पहले बोल दिया तो लिख दिया है ना, बेलेनस सुपीरियर और चैथामेलस इन्फीरियर, इनमें आपस में क्या हो गया, कॉम्पिटिशन हो गया। तो भाई अगर कोई बड़ा इंसान है छोटा है तो उसको या तो अपन ने एक्सटिंक्शन की बात तो अलग कर ली कि तो भूख से ही मर गया, आपने डायरेक्ट लड़ाई नहीं करवाई ना वहाँ पर। वहाँ पर एक चीज़ अच्छी थी, मतलब अपन जो देख रहे हैं निके स्पेशलाइजेशन नहीं है यहाँ पर, है ना, निके का कोई ऐसा स्पेशलाइजेशन नहीं है फिक्स, लेकिन अब अपन बात कर रहे हैं इस चीज़ की, तो इसमें अपन ने बात करी, इसमें क्या होगा, ये जो इसको रिमूव कर देगा इसकी जगह से, जो सुपीरियर है वो इन्फीरियर का कर देगा, रिमूव कर देगा, ये बात समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। अच्छा, और ये जो फील्ड एक्सपेरिमेंट हुआ था रॉकी इंटर टाइडल एरिया, इसमें एक चीज़ याद रख लीजिएगा, ये स्कॉटलैंड में हुआ था ना, मजाक की बात अलग है, अमेरिका नहीं गए थे इस बार, स्कॉटलैंड गए थे अपन, कहाँ गए थे, स्कॉटलैंड, अपन थोड़ा घूमे ना, यूके वूके भी घूमे थोड़ा। चलो, तो अब इसके बाद मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, ये तो हमने कहानी कर ली रिसोर्स लिमिटेड की और ये सब बातें हमने कर ली,
अब कई बार क्या हो गया कि भाई रिसोर्स मतलब ये जनरली मानना जाने लग गया कि अगर रिसोर्स लिमिटेड है तो या तो एक्सपेरिमेंट मतलब रिमूव ही हो जाएगा या एक्सटिंक्ट हो जाएगा। पर एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या बताया, मैक आर्थर नाम था उनका, कि भाई ऐसा नहीं होता है, कई स्पीशीज इतनी समझदार होती हैं कि जब कभी ऐसा कॉम्पिटिशन या रिसोर्स लिमिटिंग होते हैं या तो वो करते क्या है बेसिकली, मतलब इन सारी जो मतलब दिक्कतें हैं इनसे वो क्या करते हैं, अपने आप को हटा लेते हैं, लाइक मोह माया से बच जाते हैं। कैसे बच जाते हैं वो देखते हैं, उसको हम बोलते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग। क्या बोलते हैं? रिसोर्स पार्टीशनिंग। क्या होता है रिसोर्स पार्टीशनिंग में? इन्होंने क्या करा, मैक आर्थर नाम था साइंटिस्ट का, मैक आर्थर, इन्होंने देखा जो वार्बलर थे, है ना, बर्ड की स्पीशीज, वार्बलर स्पीशीज ना, तो इन्होंने अपने फीडिंग हैबिट्स में चेंज कर लिए, अपने खाने पीने का तरीका चेंज कर लिया, अपने खाने पीने का टाइमिंग चेंज कर लिया, जस्ट बिकॉज ऑफ सर्वाइवल। तो यहाँ इसकी 5 स्पीशीज थी, इन्होंने अपने फीडिंग हैबिट्स टाइमिंग वगैरह चेंज कर ली, इससे क्या हुआ, ये सर्वाइव कर गए। तो वो थ्योरी कंप्लीटली ट्रू नहीं है, ये बताना मेरा मतलब ये बताना चाह रहा था मैं। इसके अलावा कुछ और चीज होती है, लाइक कंपटीशन रिलीज। कंपटीशन रिलीज वही उसी तरह की कहानी है कि भाई कि कंपटीशन कैसे बढ़ जाता है, अगर लॉयन किसी एरिया में घूम रहा है तो वहां पे जहां जहां वो जाएगा वहां वहां कंपटीशन बना रहेगा, ये होता है आपका कंपटीशन रिलीज। तो ये बेसिक हमारा यहाँ पर ये जो आपका चल रहा था इंटरेक्शन वाला टॉपिक, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक टर्म हैं जो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, मैं बेसिकली आपको बताऊंगा जब हम थोड़ा और पढ़ चुके हों, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाह रहा कि 5 मिनट के टर्म्स बता दूं। मैं कोशिश करूंगा कि इकट्ठे 10 से 20 टर्म लेके 15-20 मिनट के एक अलग ही लेक्चर बना लेंगे या फिर कुछ ऐसा कर लेंगे तो उसमें एक साथ सारे टर्म आ जाएंगे, क्योंकि एक दो टर्म बताना कोई सेंस की बात है नहीं, मुझे जो लगता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, दैट्स ऑल।